लोहड़ी के पावन उपलक्ष्य पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने जहां विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी के दर्शन किए तो माता रानी का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वहीं उन्होंने लगभग आधा घंटा से ज्यादा मंदिर के गर्भगृह में बैठकर ध्यान भी लगाया और माता जी के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। हालांकि पिछले सप्ताह भी वे नैना देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे और आरती में भाग लिया था। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सभी धर्म एक समान हैं और सभी का भगवान एक है। उन्होंने कहा कि वे भगवान से सिर्फ एक ही बात मांगते हैं कि विश्व का कल्याण हो और सर्वत्र का भला हो, आपसी भाईचारा बढ़े, ये वे कामना माता रानी से करते हैं और दरबार में पहुंचे हैं। सिद्धू ने कहा कि बचपन से ही उनकी माता जी ने जहाँ पर उन्हें माता सती की कहानियाँ सुनाई हैं, वहीं उनके पिता ने उन्हें गुरुवाणी का श्रवण करवाया और उनका बचपन पूरी तरह धार्मिक संगत में रहा है और उसी का फल है कि आज वे हिंदू और सिख भाईचारे के प्रतीक हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि माता रानी के दरबार में आकर वे किसी भी राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन माता रानी सबका मनोकामनाओं को पूर्ण करे और माता का आशीर्वाद उनके और उनके परिवार पर हमेशा बना रहे, ये वे कामना करते हैं। मेरी माँ हिंदू परिवार चो सी, बचपन तो ही मैनू माता दे दरबार आउण दा सौभाग्य, मन्नतां जिहड़ियां ने मंग के मैं होया सी, इत्थे मेरी माँ आउंदी हुंदी सी ते माता वैष्णो देवी जांदी हुंदी सी और गोदी बिठा के मैनू बचपन दे विच माता सती दीआं कहानियां सुणाउंदी हुंदी और वो कहानियां सुनदा सुनदा मैं वड्डा होया। मेरे बजुर्ग मैनू गुरबाणी सुणाउंदे हुंदे ते मेरी माँ मैनू माता सती और भगवान शंकर दीआं कहानियां सुणाउंदी, वो सारे संस्कार बचपन तो लैके अज तक मेरी ताकत बन के, माता का आशीर्वाद बन के, गुरु रामदास पातशाह वाहेगुरु का आशीर्वाद बन के, तो परमात्मा एको ही है। जिस तरह बाबा जी कहते हैं मैं उस तरह इतने भी उस लॉ के घूमना, तो जो दरबार साहब बैठना उत्थे भी उस लॉ के घूमना, परमेश्वर एक है और उसकी ताकत के हमेशा विलीन रह के उसके चरणों के रह के कुछ मंगता नहीं, बस विश्व का कल्याण, विश्व के कल्याण के सारे का कल्याण। जी सिद्धू, तुम 2019 कांग्रेस में जुड़े